What? A brand new car? नहीं, ये नेक नहीं। यार ये तो सारा साथ ब्लैकमेलिंग है। काके तू भी कमाल करता है। व्हाइट मेलिंग से आजकल कोई काम चलता है क्या? और भाई व्हाइट मेल हो या ब्लैक मेल हो, तुझे तो नग इसे देना ही होगा। कमाल अंकल, आप इतनी जल्दी घूम गए। अभी तो आप हमारे साथ थे, अब उधर हो गए। अंकल नहीं, सन्नी बोलो सन्नी। इसलिए तो मैं अपना पक्ष बदल रहा हूँ। कुड़िए तू हिलना नहीं, इसे तेरी गल मननी होगी। मॉम, आज मैंने ब्रो को बहुत बुरा फंसाया। उसके कमरे की चाबियां मेरे पास है। दुल्हन अंदर, दूल्हा बाहर। जब तक ये मुझे मेरा नेक नहीं देगा, मैं इसे अंदर जाने की परमिशन नहीं दूंगी। आई एम सॉरी। बिल्कुल ठीक किया तूने। सिड ने तुझे बहुत सताया है, तू पूरी कसर निकाल ले। मॉम, आप भी सिमरन को सपोर्ट कर रही हो? हाँ भाई, नेक मांगना तो उसका हक है, और जो अपने हक के लिए लड़ा है हम तो उसी का साथ देंगे। That's great. अब तो तुम्हें मुझे नेक देना ही पड़ेगा। किसने कहा? मैंने कहा। तुम्हें कोई नेक नहीं मिल रहा। बिल्कुल सर, अगर कोई हमसे कुछ ऐसे ही मांगे तो हम गिफ्ट समझकर दे भी सकते हैं, लेकिन दादागिरी बिल्कुल नहीं। Keep it up, sir. हाँ ठीक है ठीक है, करो अपने बेस्ट फ्रेंड का सपोर्ट, और फिर देखते रह जाना अपने बेस्ट फ्रेंड के दुल्हन का चेहरा। ओके? अरे सिद्ध मान भी जा, वरना तेरी सुहाग रात सुहाग दिन में बदल जाएगी। मान जा पुत्र। सुनिए जी। सुनाइए जी। याद है कि हमने भी अपनी सुहाग रात जो है वो दिन में मनाई थी। सुनिए जी। सुनाइए जी। आपको याद नहीं, हमने हमारी सुहाग रात रात को मनाई थी, दिन में नहीं। रात जो है वो अमेरिका में थी, यहाँ तो दिन ही रहा होगा ना। अच्छा अच्छा ठीक है। अरे सिमरन, दरवाजा तो खोलो। भाभी आप चुपचाप अंदर बैठे रहिए, बाहर एक बहुत इम्पोर्टेंट डीलिंग चल रही है। जब तक ब्रो मुझे मेरा नेक नहीं दे देते, मैं उनको अंदर जाने की परमिशन नहीं दे सकती। आई एम सॉरी। पर बाहर हो क्या रहा है? भाभी दरवाजा मैंने आपके लिए खोला है, ब्रो अंदर नहीं आ सकते। अरे पर बाहर हो क्या रहा है? आपके हस्बैंड इतने कंजूस है कि वो अपनी बहन को अपना हक ही नहीं दे रहे। भाभी आप अंदर जाइए। अक्षय, वो यहाँ कैसे? अंदर जाने का सपना देखना भूल जाओ। ओ जी, आप तो बड़े बिन पैंती के लोटे हो। कभी इस तरफ लुढ़कते हो तो कभी उस तरफ। एक साइड में रहा करो। ठीक है, मेरे लिए ना सही, मेरे बेस्ट फ्रेंड अक्षय के लिए तो सही। अरे इसे तो दुल्हन का चेहरा देखने दो। बिल्कुल नहीं। अक्षय जी, आप अपने बेस्ट फ्रेंड को समझा दीजिए, अगर उसे अपने दुल्हन का चेहरा दिखाना है तो वो मुझे मेरा हक दे दे। अक्षय सिंह का बेस्ट फ्रेंड। सिड बेटा तू मान जा, सिमरन तो मानने से रही, नेक तो तुझे देना ही होगा। चल जल्दी से दे दे। हे भगवान, अब तो ये दरवाजा ना ही खुले तो ही अच्छा है। मैं अक्षय का सामना कैसे कर पाऊंगी? क्या सोचेंगे वो? और सिद्ध को जब पता चलेगा कि मैं अपने बच्चे के लिए जिसके साथ कानूनी लड़ाई लड़ना चाहती हूँ वो और कोई नहीं, उसका बेस्ट फ्रेंड अक्षय है, तो क्या होगा? भगवान, ये किस अग्नि परीक्षा में डाल दिया है तुमने मुझे। ओके मॉम, जब आपने कह दिया तो मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ? अब तो मैं अक्षय को अपनी वाइफ से मिलवा सकता हूँ। अक्षय बेटा एक मिनट, बुरा ना मानो तो पहले कुलदेवी की पूजा कर ले। मुंह दिखाई की रस्म उसके बाद हो जाएगी। मॉम, कुलदेवी की पूजा करने के लिए तो हमें बाहर जाना होगा ना? नहीं बेटा, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, यही पूजा घर में ही दूल्हा दुल्हन कुलदेवी की पूजा कर लेंगे। जा दुल्हन को ले आ। मुझे मेरी नेक मिल गई, और ब्रो के बेस्ट फ्रेंड अक्षय जी को हरी झंडी मिल गई। वो आपसे मिलने के लिए बहुत उतावले हो रहे हैं। चलिए ना। क्या हुआ भाभी? चलिए ना, मॉम बुला रही है। मॉम ने कहा है कि पहले पूजा घर में दुल्हा दुल्हन कुलदेवी की पूजा करेंगे और उसके बाद होगी मुंह दिखाई की रस्म। सो बी फास्ट। That's very nice.